गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पोर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप लोगों के अपने साइंस के पंचामृत में। तो फटाफट से अपने पांच क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं अपने साइंस के पांच अलग अलग सेक्शन से। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने है वो है आप लोगों का बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री आप कह सकते हो। कहता है कि डाइजेस्टिव जूस इन आवर स्टमक कंटेन्स मेनली डैश। बताइए कि हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से डैश होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या फिर एसिडिक अम्ल होता है। देखिएगा जब भी हम अपने किसकी बात करते हैं, अपने आमाशय की बात करते हैं यानी कि अपने स्टमक की बात करते हैं, तो ईसोफेगस से हमारे आमाशय के अंदर क्या आता है, खाना आता है। ठीक है, कैसा, लार मिला हुआ। अब इसके ऊपर हमारे आमाशय के अंदर के जो सेल्स हैं वो एक रस का स्रावन करते हैं, एक जूस का स्रावन करते हैं, वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की यहाँ पे पीएच मान जो होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वह 1.8 होती है। और पता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना आपके पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ा सकता है और साथ साथ आपके पेट को जख्मी भी कर सकता है। इसी से बचाने के लिए आपके पेट के अंदर श्लेष्मा होती है यानी कि म्यूकस लेयर्स होती है, यानी कि म्यूकस रिलीज किया जाता है ताकि आपके पेट की दीवारों से यानी कि आमाशय की दीवारों से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके छाले ना कर दे। ठीक है, इसके अलावा एक बैक्टीरिया भी होता है, इसका शायद मैंने आप लोगों को नाम भी बताया था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन से बैक्टीरिया के कारण पेट में अल्सर्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरीली प्रेजेंट इन एलॉय फॉर इट टू बी रेफर्ड एज एमलगम। अब पता है आपको ये सवाल अगर मैंने बता दिया ना किसमें पूछा गया था, आप कहोगे मैम हलवा क्वेश्चन, इतने बड़े पेपर में पूछ लिया गया, यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन है और सवाल था कि बताइए अमलगम कहलाने वाले या पारद मिश्रण कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु के अंदर निम्न में से कौन सी चीज होनी चाहिए। तो बच्चे हम लोग हिंदी में तो हमें सीधा सीधा आंसर ही दे रखा था इन्होंने, पारा का मिश्रण। ठीक है, पारद। ठीक, जब भी हम किसी धातु को पारे के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे उसी का अमलगम बनाता है। ठीक है, चांदी पारद बन जाता है। ठीक है, जैसे सिल्वर ने मरकरी के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे चांदी पारद बन गया। अच्छा, आपको पता है कि जो क्या बोलते हैं, आयरन होता है, जो लोहा होता है वो मरकरी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसके अलावा एक और धातु ऐसी होती है जो मरकरी के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, पारा है, और इसी पारे के कारण क्या होता है, हमेशा अमलगम बनता है। और एल्यूमिनियम जो होता है उसके साथ भी पारा रिएक्ट करता, तभी हम हवाई जहाज में क्या नहीं लेके जा सकते, थर्मामीटर, वो मरकरी वाला नहीं लेके जा सकते। चलो नेक्स्ट कहता है, एक साधारण लोलक के समय सीमा डैश पर निर्भर करती है। भाई ये देखो अपना जो है ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होगा वह किस चीज पर निर्भर करता है, ये पेंडुलम की लंबाई है, सेंटर से हम मापेंगे तो सेंटर से इसकी लंबाई अगर एल है तो इसी चीज के ऊपर तो टाइम पीरियड निर्भर करता है। अगर आपने फॉर्मूला देखा हो टी इक्वल्स टू 2π √L/g होता है, तो जितनी ज्यादा पेंडुलम की लंबाई, भाई देखो ग्रेविटी को तो आप नहीं चेंज कर सकते अपने हिसाब से, लेकिन लेंथ ऑफ द पेंडुलम तो चेंज कर सकते हो ना, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो समय है उसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम यानी कि लोलक की लंबाई के ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये अपना इकोलॉजी का क्वेश्चन आ जाता है। कहता है पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिएगा एक जूलॉजिस्ट है जिनका नाम है श्री अर्नस्ट हेकल। ठीक है, यानी कि जो जूलॉजिस्ट अर्नस्ट हेकल हैं, इन्हीं के द्वारा क्या दिया गया था, इकोलॉजी शब्द दिया गया था। इसके अलावा रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने कोशिका भित्ति की खोज करी थी, सेल वॉल की खोज करी थी, या फिर हम इसको ऐसा कह देते हैं डेड सेल की खोज करी थी, मृत कोशिका की खोज करी थी। हेनरी कैवेंडिश क्या किया, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से हम इनको रिलेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज आ जाती है आरएच विटेकर, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसी के बारे में इन्होंने बताया, ध्यान रखोगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि ये अपना टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। कहता है कि गूगल पे और पाइन लैब्स ने मिलके अभी एक टैप टू पे फॉर UPI यानी कि आपके फोन के अंदर आप अपने कहीं पे भी किसी भी मर्चेंट के पास आपको पेमेंट करनी है, आप UPI करने के लिए स्कैन करने की आवश्यकता नहीं है, क्या कीजिए, बस टैप कीजिएगा अपना फोन को और पेमेंट हो जाएगी। ये जो तरीका है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अच्छा देखो, जब भी आप किसी दुकान पे जाएं और वहां पे अगर आपको ये करना है तो गूगल पे आपके पास होना चाहिए, और दूसरी चीज वो जो दुकानदार है उसके पास पाइन लैब्स के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। तो पाइन लैब का जो सिस्टम होगा अगर उससे आप टैप कराओगे तो आपकी पेमेंट डन हो जाती है। यहां पे देखिएगा कि ये जो आपकी UPI हो रही है,
टैप टू पे फॉर यूपीआई। अगर मैं इसकी बात करूं, ये फील्ड कम्युनिकेशन पे निर्भर करती है। जैसे आपके वो वाले होते हैं ना टैप वाले डेबिट कार्ड जो होते हैं या क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, वो भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे ही काम करती है। आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे आपके घर के अंदर भी काम करते हैं, जैसे स्पीकर्स आदि हो गए, ये भी इन चीजों पे कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको और सारी डिटेल्स चाहिए तो आप लोग मेरे दोपहर को 3 बजे जो क्लास होती है वहां पे आप साइंस के क्वेश्चंस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा बढ़ा दीजिए, डेफिनेटली वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज को करने में, और तब तक आप मेरी दोपहर की 3 बजे वाली क्लास जो SSC एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे होती है आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे हम हर लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अपने इसी एक सेशन में। क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और ज्यादा बच्चों तक आपकी क्लास पहुंचे, और मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप लोग यहां पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अपन लोग 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे, जहां पे जलेगी जीत की मशाल विवेक सर के द्वारा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग मिलेंगे सभी। सो दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।